लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अभी आप देख सकते हैं कि मंत्री तेज प्रताप यादव कमला नेहरू की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे शायद तोड़ फोड़ने की बात हो रही थी, तो उसी को शायद मिलने के लिए जा रहे हैं। इन हमारे जनता दरबार में आए थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि टूट रहा है, तो एक बार आगे देख लेने के लिए, तो वही हम आए थे देखने के लिए। तो हम बात करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को कहीं अस्थाई यहीं पे दिया जाए, व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कमाने खाने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो पैसा लोग कमाते हैं लोग घर में। हाँ, तो हम तो बचपन से देख रहे हैं, और पिछले बार भी हम आए थे यहाँ, सब लोग अपने लोग हैं, तो इसलिए इनसे मिलने आ गए। तो हम बात करते हैं सरकार से, ताकि आप लोग एक जगह हम बात करते हैं सरकार से, ताकि आप लोग को कहीं अस्थाई जगह मिल जाए, ठीक है ना। अरे हमारे यहाँ आया था यहीं से दो तीन लोग मिलने के लिए, यहीं से कुछ लोग, एक लड़का था मोटा सा। हाँ, तो कौन था वो लड़का? है वो लड़का यहाँ इसी को रोक, लड़का है क्या यहाँ? हाँ वही छोटो। अरे वो मोटा सा था, ऐसा बाघ रखे हुए था बड़ा बड़ा, गया था मिलने के लिए हम लोग। देखिए मंत्री तेज प्रताप यादव कमला नेहरू मार्केट में मोहल्ले में जहाँ पर मकान को अंकित तोड़ा गया था, वही शिकायत करने के लिए कोई गया था इनसे मिल के, तो वही चलते चलते अब जब कार्यालय ऑफिस आए तो उन्होंने ऑफिस आने के बीच में इन्होंने देखा कि यही कमला नेहरू है, तो मिलने के लिए चले गए। ये तेज प्रताप सर आए हैं तो बोले क्या कि पानी की समस्या है, समाधान करेंगे, और रहने का जो हम घर उर तोड़ के गए हैं, तो वो चीज़ हम बात करेंगे सरकार से, प्रभारी लोग से बात करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। कब तोड़ा गया था ये? तोड़ा गया था 20 तारीख को। तेज प्रताप हम लोग अभी बोले कहाँ है, देख लेकर हर चीज निकलता है, मारता है प्रशासन डंटा से, पैदा से, औरत मरा सब मिल के मारता है। कुछ बोले नहीं, अभी चल दिए समझे ना, अभी बोला है बस यही बात, तो अभी कुछ बोला नहीं है। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आप लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आपको मुहैया कराया जाएगा, या तो यहाँ पे नहीं तो कहीं और दूसरा जगह आप लोगों की व्यवस्था किया जाएगा। मैं शंभू कुमार कैमरा राजेश के साथ द लाइव न्यूज पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।